Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to tell you about past continuous tense. आज मैं आपको past continuous tense बताने जा रही हूँ. So let's start. Past continuous tense. Firstly इसका meaning clear कर रही हूँ आपको. देखो past means जो बीत चुका है, ठीक है. Continuous मतलब जो लगातार चल रहा है. Tense means काल, ठीक है. उसे हम past continuous tense कहते हैं. तो firstly इसका structure बता देती हूँ आपको. देखो फर्स्टली हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ. देखो ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग. वह गाना गा रहा था. था वाज मीन्स पास जो बीत चुका है लेकिन कॉन्टिन्यू चल रहा था, ठीक है. तो इसलिए ये पास कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है. ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग. वह गाना गा रहा था, ठीक है. और एग्जांपल आपको बता देती हूँ. जैसे वह कपड़े धो रही थी, तुम पार्क जा रहे थे. तो ये सभी एग्जाम्पल पास कॉन्टिन्यूस टेंस के. तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. देखो सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्क प्लस वर्क के साथ आईएनजी का यूज हुआ है. वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब इसमें थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे यू वर प्लेइंग द फुटबॉल. तुम फुटबॉल खेल रहे थे. ये ध्यान रख लेना आपके वाज वर्ब किस किस के साथ यूज करते हैं हम, ठीक है. जैसे आई के साथ हमेशा वाज का यूज करेंगे. ही शीट के साथ वाज का यूज करेंगे. और प्लूरल के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. शी वाज वॉशिंग द क्लोथ, ठीक है. तो ये टू एग्जांपल्स जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हैं जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ क्लियर किया, ठीक है. उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी नॉट वाले. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट का यूज हो जाएगा इसमें, ठीक है. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. The teacher was not teaching. ठीक है, teacher पढ़ा नहीं रही थी, teach नहीं कर रही थी. एक और example लेते हैं. यहाँ पे हमने not का use किया, it means ये negative sentence हो गया, ठीक है. एक example और ले लेते हैं. The child was not crying. बच्चा रो नहीं रहा था, ठीक है. तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे. इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. वाज वर्ब हम पहले यूज करेंगे, ठीक है. देन सब्जेक्ट. देन अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. वाज द स्टूडेंट रीडिंग द लेसन. और पीछे हम क्या पुट कर देंगे क्वेश्चन मार्क. क्या स्टूडेंट लेसन रीड कर रहा था, ठीक है. इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हो. जैसे वाज द मदर कुकिंग द फूड. कि क्या मदर जो है फूड कुक कर रही थी. तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको तीनों सेंटेंसेस क्लियर कर दिया. अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. और उनका स्ट्रक्चर भी साथ बता दिया, ठीक है. तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, इस तरह के जो है वर्ड्स यूज होते हैं. तो ये ध्यान में रखना. और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स.
तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।